हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए या कि म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स पे याद रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम किसी म्यूचुअल फंड को चूज करने वाले हैं तो उसको चूज करने समय क्या क्या क्राइटेरिया रखने चाहिए जिससे कि हम एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएं और अपना जो पैसा है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं कि हम SIP से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें चाहिए एक म्यूचुअल फंड कि हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा जिसमें हम पैसे को इन्वेस्ट कर पाए। तो उसको चूज करने का, उसको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो वो बात कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, आजकल ये टॉप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये हमारी सहूलियत के हिसाब से इजी टू कन्वीनियंस है। हम पैसे को इजीली अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो यानी सारी चीज़ें पेपरलेस तो आजकल हो ही गई चीज़ें, यानी कि सारा हम डिजिटली काम कर सकते हैं, तो इजी है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और इसमें रिटर्न भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो इसलिए हमारा म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया जो रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं कि उन क्राइटेरिया की जिनकी बदौलत हम चूज़ करें कि एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को चूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में देनी चाहिए। तो उनमें सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझना चाहिए कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा करना है या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा करना है। ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसी के हिसाब से ही हम म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स कुछ अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अलग होते हैं और मिड रेंज के लिए कुछ अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और उसके साथ में आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, यानी कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रिस्क कम ले सकते हैं तो आपको डेप्ट म्यूचुअल फंड की तरफ जाना पड़ेगा और यदि आप म्यूचुअल फंड रिस्क अच्छा खासा ले सकते हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि डेप्ट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे की जो ग्रोथ होती है वो कम होती है लेकिन रिस्क कम होता है, लेकिन आपकी रिस्क भी कम होता है और ग्रोथ भी कम होती है डेप्ट म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन आपका जो हाई रिस्क होते हैं यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है तो ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमें अपना गोल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे 5 साल के लिए पैसा डालना है या फिर 10 साल के लिए डालना है या 20 साल के लिए डालना है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर पर, कॉस्ट। यानी कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उसमें हमें कॉस्ट क्या क्या लगनी है, क्या क्या पैसा कटना है, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। सपोज दैट आप 1 साल के अंदर ही अपने पैसे को निकाल लेते हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन 1 साल के अंदर ही आपको पैसा निकालना है किसी जरूरत से या किसी वैसे भी निकालना है या कोई भी रीजन हो सकता है आपका, तो आपका उस पर एग्जिट लोड लगता है। यानी कि एग्जिट लोड कितना है उस म्यूचुअल फंड पर, तो ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम एग्जिट लोड होना चाहिए, ऐसा भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सपेंस रेशियो, तो उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है वो भी आपको ध्यान में देना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कह सकते हैं हम कि हम जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले हैं उसमें क्या क्या पैसा कटने वाला है, तो हमें ये चीज़ें भी देखनी चाहिए जिनमें से दो चीज़ें आपको बताई थी, एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो। अब हम चलते हैं अगले फैक्टर की तरफ, पोर्टफोलियो टर्नओवर। यानी कि पोर्टफोलियो जो हमने चूज किया है उसका टर्नओवर कितना है, जो म्यूचुअल फंड है उसका टर्नओवर कितना है, 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, तो उसका टर्नओवर जितना ज़्यादा आएगा, जो उसके एनुअली रिजल्ट जो बाई होती हैं सेल होती है, तो उसमें आपका जितना हाई आपका टर्नओवर रहता है उतने ही आपके ज़्यादा ब्रोकरेज लगती है, उसके अपने उतने टैक्सेस लगते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको बारीकी से समझ लेना चाहिए तभी पैसे को इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है, इस तरह के म्यूचुअल फंड में देखना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर में टर्नओवर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि हम इससे भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा टर्नओवर होता है वो म्यूचुअल फंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं कैटेगरी वाइज देखे हैं, तो इनका सबका टर्नओवर के हिसाब से ही सारा कुछ डिसाइड रहता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में आएगा, कौन सा मिड कैप में, कौन सा स्मॉल कैप में। हालांकि आपको जानकारी लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो स्मॉल कैप टर्नओवर, जो स्मॉल कैप होते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनका पैसा ज़्यादातर छोटी छोटी कंपनियों में लगता है और लार्ज कैप का पैसा ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है वो उस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, आपके म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ जो डिसाइड करेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ असेट्स। यानी कि जब हम पैसे, जब म्यूचुअल फंड को हम कोई चूज करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड का एक क्राइटेरिया होता है कि उसने अपना पैसा डेब्ट के अंदर डाल रखा है
या इक्विटी के अंदर डाल रखा है या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर डाल रखा है। यानी कि इक्विटी मतलब कि आपका जो म्यूचुअल फंड है उसने उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने सारा पैसा इक्विटी कंपनीज के अंदर लगा दिया है, सारी इक्विटीज कंपनी के अंदर लगा दिया है, या फिर हम यही कहें कि उस म्यूचुअल फंड ने प्रॉपर तरीके सारा पैसा डेप्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगा दिया है, डेप्ट जो कंपनीज होती हैं सरकारी बॉन्ड वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उनमें लगा दिया है, या फिर हम ये कहें हाइब्रिड यानी कि जिसमें इक्विटी भी होती है डेप्ट भी होती है, तो इस तरह से पैसा लगा रखा है। तो हम समझ लेते हैं कि जब पैसा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया जाता है तो इक्विटी में आपको हाई रिस्क होता है हाई गेन होता है। इसी तरीके से अगर आपको रिस्क कम लेना है, आपकी जो रिस्क एपेटाइट कम है, तो आप डेप्ट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएंगे तो वहां पर सिक्योर रहता है, ग्रोथ कम होती है लेकिन सिक्योर भी होता है, यानी कि रिस्क ना के बराबर होता है लगभग। तो इस तरीके से आप ये देखिए, हाइब्रिड में देखा जाए तो हाइब्रिड में क्या किया जाता है कि हाइब्रिड में जो म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, यानी कि उसमें डेप्ट भी होता है और इक्विटी भी होती है। तो इस तरीके से उस रिस्क को थोड़ा कम करने का प्रयास किया जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के जरिए म्यूचुअल फंड में। तो इस तरीके से आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाने वाले हैं उसका डेप्ट रेशियो कितना है, उसका इक्विटी रेशियो कितना है, जिससे कि आप समझ पाएं उस चीज़ को कि आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड में सेफ रहने वाला है कि नहीं है, और रहेगा तो कितना सेफ रहेगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो फैक्टर है उसकी तरफ जो हमारे म्यूचुअल फंड को चूज करने में हेल्प करता है, क्वालिटी ऑफ द फंड मैनेजमेंट। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखते हैं स्टार म्यूचुअल फंड, फाइव स्टार म्यूचुअल फंड, यानी कि स्टार रेटिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमारा पैसा बहुत मेहनत ही कमाया हुआ पैसा होता है, बहुत मेहनत का पैसा होता है, और हमारा एक एक रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें अपना पैसे को ऐसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहिए, हमें सिर्फ फाइव स्टार रेटिंग देख के पैसा नहीं डालना चाहिए, हमें उसका फंड मैनेजमेंट का देखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है, जो उस म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है या उस मैनेजर की जो कंपनी होती है उसका क्वालिटी कितनी है, उसका कैसा रिकॉर्ड है, उसका कैसा स्टाइल है, कैसे पैसे इन्वेस्ट करता है, और उसकी हिस्ट्री कितनी अच्छी है। तो ओवरऑल आपको सारी चीज़ें देखनी चाहिए, सिर्फ रेटिंग से आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए, आपको उसके बारे में जितना ज़्यादा डिटेल में आप देखेंगे कि ये फंड का जो मैनेजर है या इसका जो कंपनी है इसका कैसा रिकॉर्ड रहा है, इसका कैसी स्टेबिलिटी है, इसका कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस कैसी कैसी रही है रिसेशन के टाइम पर या कोरोना काल के टाइम पर कैसी पोजीशन रही है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप एवेल्यूएट करते हैं तभी आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर पाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे, और आपको जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको इन सारे पॉइंट्स को एक पेपर पर लिख करके अपने आप को देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी नीड पता होनी चाहिए, हमें अगर अपनी नीड पता कर ली पहले कि हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब हमें पैसा कितना चाहिए, कब के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हमें वो म्यूचुअल फंड भी मिल जाएगा। अब सपोज दैट आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 5 साल के लिए पैसा डालना है, राइट, आपको सिर्फ 5 साल के लिए पैसा डालना है, लेकिन आपने क्या कर दिया कि ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल दिया जो कि लॉन्ग टर्म वाला म्यूचुअल फंड है, जैसे 20-30 साल जिसमें पैसा रखते हैं उसमें, तो उसमें आपको डाल दिया तो आपको रिटर्न उस तरह के नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो आपको पहले अपनी नीड्स को पता करना है कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको चाहिए क्या, तो आपको जो चाहिए उसके हिसाब से फिर आपको वो राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, चूज करना है जो आपकी नीड को पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। तो गाइज मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चूज करने में सेट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।